कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस के काफिले के सामने धरना देकर सुर्खियों में आई पूजा मालवीय और अन्य छात्राओं ने भैंसदेही एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। छात्राओं ने एसडीएम भैंसदेही को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस पूरे मामले में छात्रा पूजा मालवीय और अन्य छात्राओं ने बताया कि हम नियमित रूप से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियमित छात्राएं रही हैं। हमारी उपस्थिति को कन्या स्कूल के शिक्षकों ने जानबूझकर कम दिखाया है। हम रेगुलर गए थे और हमें प्राइवेट कर दिया गया था। इस सिलसिले में हमने सीएम हेल्पलाइन पे एसी मैडम, बीओ सर एवं कई जगह की शिकायत की, पर कुछ निराकरण नहीं निकल पाया अभी तक के। और हमने इस सिलसिले में कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था, पर उन्होंने एसी ट्रैवल के माध्यम से हमें संतुष्टि प्रश्न जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का साथ देते हुए हमें गलत साबित किया। उसमें उपस्थिति पंजी में दिख रहा है कि मैडम ने डॉट लगा दिए हैं, उपस्थिति नहीं भरी गई है और उसको अब्सेंट में दर्शाया गया। कोचिंग का मैटर था, उसमें दो मैडम की आपसी लड़ाई थी, उसमें प्रिंसिपल सर ने भी सहयोग किया और बीओ सर ने भी। एक कन्याशाला की पूजा एवं अन्य एक साथी मुझे ज्ञापन दिया जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर जो अटेंडेंस ली गई है उसमें पेजेंट जो थे उनको एबसेंट कर दिया गया है और कहीं कोई 00 लगा दिया है, पेजेंट और एबसेंट भी नहीं दर्शाया गया है, तो उसके लिए मैं जांच कराऊंगा। दूसरा ये है कि पिछले जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को भी इस प्रकार का आवेदन दिया गया था, जो एसी ट्रैवल के माध्यम से जांच कराई जा चुकी है और उसका पूछताछ करके मैं उसका निराकरण कराऊँगा। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इन छात्राओं को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बैतूल।